तो कल फाइनली कैसा मंडे नाइट रॉ का एडिशन होने जा रहा है एक लंबे टाइम बाद, जिसे मैं टैगलाइन ये देना चाहूंगा, डोंट मिस मंडे नाइट रॉ एडिशन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में टैगलाइन ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ये डोंट मिस मंडे नाइट रॉ एडिशन होने वाला है, क्योंकि कल का जो WWE का रॉ का एपिसोड है उसमें एक नहीं बल्कि काफी सारी चीजें होने वाली है। शो पर ट्राइबल चीफ आने वाला, उनका एक बड़ा मैच ऑलरेडी कन्फर्म है, प्लस शो पर एक कल सरप्राइज रिटर्न भी होने वाली है। शो पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भी होने वाले हैं। शो पर जो लोगन पॉल है अपना इंपल्सिव टीवी लाते हुए नजर आएंगे। ये समर स्लैम को लेकर गो होम एडिशन होने वाला है, प्लस 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 ये होने वाला है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर, यानी कि मे बी लेजनर भी आ सकते हैं सरप्राइज अटैक के लिए। तो भाई कल क्या कुछ चीजें होने वाली है इस वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, पूरे प्रीव्यू की हम लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। और जो पूरी वीडियो कल के रॉ से पहले मुझे लगा जरूर आनी चाहिए, और पूरी वीडियो मेरे प्रेडिक्शन पे ही बेस होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अच्छा पहले बात करते हैं हमारे विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। देखो सेथ रॉलिंस उनका मैच रिडल के साथ होने वाला है, लेकिन कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर रिडल ऑलरेडी रोमन के साथ कंफर्म है और सिक्स मैन टैग टीम एक्शन के लिए। तो लग ऐसा रहा जो सेथ रॉलिंस अपने मोमेंटम किसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे समर स्लैम के लिए। वैसे वो लगातार एजीक्यू का फेस कर रहे हैं, लेकिन शायद कल के मंडे नाइट रॉ में उनका अपोनेंट चेंज होता हुआ नजर आए। लेकिन ये बात कंफर्म है जो सेथ रॉलिंस अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सेथ और रिडल के बीच में एक प्रोमो सेगमेंट टाइप दिखाई दे और फिर मेन इवेंट के अंदर रिडल तब जाके हमें कंपीट करते हुए नजर आए। लेकिन कुल मिलाकर कल मंडे नाइट रॉ में जो सेथ रॉलिंस है अपना समर स्लैम को लेकर जो बिल्ड है, जो मोमेंटम है, वो हमें कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। अब शो पर कल एक बहुत ही बड़ी चीज होने वाली, ये होने वाली है हमारे 619 भैया का रे मिस्टीरियो की 20 ईयर सेलिब्रेशन। ये बार WWE ने भी कंफर्म किया कि भाई कल मंडे नाइट रॉ के अंदर आओ, आराम से आके हम लोग रे मिस्टीरियो की 20 साल WWE के अंदर सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ में, क्योंकि शो पर एक टैग टीम एक्शन भी होने वाला है। यहां पर रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो एक बार फिर से आएंगे एक साथ, और ये दोनों बाप बेटे मिलकर फेस करेंगे डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर, यानी कि जजमेंट डे का। अब इस वाले मैच के लेकर काफी सारी बातें आ रही है सामने। अब देखो मैं जानबूझ के फिंड को ना वीडियो के थंबनेल में ना टाइटल के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं ऐसा लगता कल फिंड एक्चुअल में वापस आते हुए नजर आएंगे। मेरा एकदम लास्ट मिनट प्रेडिक्शन टाइप से कि कल फिंड नहीं आने वाले। लेकिन इस मैच के अंदर मेरे हिसाब से जो बड़ा सरप्राइज हो सकता है वो ये कि 20 ईयर सेलिब्रेशन के दौरान ही जो डोमिनिक है वो टर्न होते हुए नजर आएंगे रे मिस्टीरियो के ऊपर। देखो मेरे हिसाब से जो मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है, जब मैच में जजमेंट डे जीतेगी, लेकिन या फिर रे मिस्टीरियो या फिर डोमिनिक कोई भी जीतेगा, उसके बाद जो डोमिनिक है वो अपने पिता यानी कि फादर रे मिस्टीरियो के ऊपर अटैक करते हुए नजर आएंगे और वो ज्वाइन करने वाले जजमेंट डे को। अब तीन वो एक साथ हो जाएंगे, सामने रे मिस्टीरियो अकेले होंगे, ऑफ कोर्स हर एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से उसके बाद थीम सॉन्ग हिट होने वाला है, यू थिंक यू नो मी, और जो है जो एक बार फिर से अपने WWE का कमबैक करते हुए नजर आएंगे एक और डार्क गिमिक के साथ में, या फिर अपनी पुरानी रेटेड आर वाली गिमिक के साथ में। अब देखो मेरे हिसाब से रे मिस्टीरियो ऑलरेडी उस टीम के अंदर होंगे, तो यहां पर फिंड शायद थोड़ा कम चांस हो जाता है, यू नो यहां पर थोड़ा सेंस बनता नहीं है। ऐसा हो सकता है कि WWE मैच ऑफिशियल करती हुई नजर आए, जहां पर वो तीन एक तरफ होने वाले हैं और एज और रे मिस्टीरियो एक तरफ होंगे, और हो सकता है आखिरी टाइम पर WWE को मिस्ट्री अपोनेंट अनाउंस कर दे, तब जाके फिंड आते हुए नजर आए। अब मैं चाह रहा हूं कि WWE मेरी प्रेडिक्शन गलत कर दे, कल एक्चुअल में फिंड आ जाए मंडे नाइट रॉ के अंदर वापस। लेकिन अभी तक जहां मुझे लगता है जो एज है कल वापस आएंगे अपने पुराने फ्रेंड रे मिस्टीरियो को बचाने के लिए, जब डोमिनिक का हील टर्न होने वाला है। ओवरऑल रे मिस्टीरियो की जो राइडर रोलर कॉस्टर होगी कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर 20 ईयर सेलिब्रेशन होगी, ऊपर से डोमिनिक का शायद हील टर्न भी हो सकता है। अच्छा बात रही लोगन पॉल के बारे में, लोगन पॉल का जो समर स्लैम मैच है वो भी ऑफिशियल है कि वो मिस टीवी का हमें फेस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते लोगन पॉल ने कह दिया भैया तुम्हारे मिस टीवी से अच्छा मैं एक अपना शो डेब्यू करता हुआ नजर आऊंगा आने वाले मंडे नाइट रॉ में, जो कि इंपल्सिव टीवी होने वाला है, यानी कि कल रॉ के एडिशन के अंदर लोगन पॉल भी होंगे रॉ में। अब इंपल्सिव टीवी का डेब्यू हो रहा है, जरूर मिस बीच में आने वाले हैं, मिस जहां पीछे आएंगे वहां से सैंपा भी हमें आते हुए नजर आएंगे। तो लोगन पॉल को भी यहां पर एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, वो पिछले हफ्ते तो बच गए, लेकिन मेरे हिसाब से इस हफ्ते हमारे द फिनोमिनल वन एज स्टार्स आके ज्वाइन कर सकते हैं लोगन पॉल को, और वो एक तरह का यू नो सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं उन्हें, क्योंकि सैंपा और एज स्टार्स का फ्यूड हमने देखा मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर कोई ऐसा प्रॉपर फ्यूड तो नहीं था, लेकिन जब भी मिस आते हैं भैया साथ में सैंपा पीछे से अटैक कर ही देते हैं। एज स्टार्स के पास करंटली फ्यूड भी नहीं कोई समर स्लैम के लिए, तो शायद जो WWE जान मुझके एज स्टार्स को इस वाले मिक्स के अंदर डालने का ट्राई करेगी और एज स्टार्स को बुक करेगी कल के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर। अच्छा बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, शो की मेन चीज के बारे में, ये हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज का मैच होने वाला है कल शो पर। रोमन रेंज आएंगे उसके साथ में और ब्लड लाइन का अपना सामना कर रिडल और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में। अब इस मैच की मल्टीपल एंडिंग हो सकती है फॉर श्योर, ये जो मैच है मेरे हिसाब से मेन इवेंट ही होने वाला है और शो पर बहुत सारी चीजें होंगी। देखो मैं पहले प्रेडिक्शन ये करने वाला हूं कि इस वाले मैच के अंदर ब्लड लाइन की विक्ट्री होने वाली है और शायद सेथ रॉलिंस का हल्का सा इन्फ्लुएंस मैच में मिलता हुआ नजर आए। सेथ वर्सेस रिडल समर स्लैम के अंदर हो रहा है, तो ऑफकोर्स सेथ रॉलिंस बीच में टांग अड़ाने आ सकते हैं, भाई रिडल को पिन हो सकता है रोमन रेंज के हाथों, लेकिन सपोर्ट यहां पर सेथ रॉलिंस का मिलेगा, तो शायद ब्लड लाइन कुछ इस तरीके से जीतती हुई नजर आए और स्टैंड टॉल होती हुई नजर आए मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर सेथ रॉलिंस के हल्के से असिस्ट के साथ में, और ट्राइबल चीफ रोमन रेंज अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को हवा में एकदम ऊपर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब बात करूं मैं बाकी दो एंडिंग्स के बारे में, एक एंडिंग कुछ इस तरीके से
कैसी भी हो सकती है कि हमारे थ्योरी ट्राई कर सकते हैं एक मनी इन द बैंक कैश इन के लिए। अब देखो थ्योरी जरूर समर स्लैम का एक प्रीव्यू देना चाहेंगे, भाई मैं वहां पे भी आ सकता हूँ कैश इन के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा जो हमने जो कैश इन वाली चीज है वो देखी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कल रोमन रेंज का मैच होने वाला है, तो भाई फॉर श्योर सी बात है रोमन मैच के अंदर कंप्लीट करें थोड़े से थके आ रहे होंगे, तो शायद ऐसा हो सकता है हमारे जो थ्योरी है वो अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने का ट्राई करने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैश इन हो जाएगा, लेकिन एक टीज होता है वो नजर आएगा। अल्टीमेटली जिमी जे उसको ऐसी तैसी करेंगे थ्योरी की, उन्हें वैसे 9-2-11 करते हुए नजर आएंगे, लेकिन समर स्लैम के अंदर मनी इन द बैंक का कैश इन होने वाला है। उस चीज को हाइप करने के लिए WWE चीज कर सकती है, और बॉबी का फ्यूड भी तो रहा थ्योरी के साथ में, हो सकता है भैया थ्योरी यहाँ कैश इन कर ले, बॉबी लगा दे स्पीयर, थ्योरी का हो गया काम तमाम, कैश इन गया, घंटा हो गया फेल, आई मीन फेल नहीं होगा लेकिन हम वहाँ पे वो कर ही नहीं पाएंगे। ओवरऑल थ्योरी को लेकर भी एक चीज हो सकती है कल मंडे नाइट रॉक एडिशन के अंदर, और ऑफकोर्स गो होम एडिशन होने वाला है WWE के पास से आखिरी रॉक एडिशन है रॉ की तरफ से हाइप करने के लिए समर स्लैम को, इसलिए शायद MITB कैश इन टाइप की भी कोई चीज देखने के लिए मिल सकती है। अब मैं बात करूँ दुनिया की सबसे बड़ी एंडिंग के बारे में जो कि कल मंडे नाइट रॉक एडिशन की हो सकती है, वो हो सकता है पिछले मेडिसन स्क्वायर गार्डन के इवेंट का बदला और ब्रॉक लेसनर का एक सरप्राइज अटैक रोमन रेंज एंड ब्लड लाइन के ऊपर। अब मैच के अंदर कंपीट कर रहे लास्ट टाइम जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में WWE का इवेंट गया था वहां पर ब्रॉक का मैच हुआ था थ्योरी के साथ में। अब मैच तो खत्म हो गया लेकिन उसके बाद हमारे ट्राइबल चीफ आए थे ब्लड लाइन के साथ में, अटैक किया था लेसनर के ऊपर और उन्हें खूनों खून करते हुए नजर आए थे, वो रेसलमेनिया से पहले हुआ था और मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज की थी WWE वालों ने। तो शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई पिछले मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लाइव इवेंट का बदला ऑन एयर रॉ के टेलीविजन पर ब्रॉक लेसनर लेते हुए नजर आए और उनका एक सरप्राइज अटैक होता हुआ नजर आए। अच्छा मुझे इस चीज के चांस इसलिए भी लग रहा है, एक तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर हो रहा है, दूसरा गो होम एडिशन होने वाला है हमारे मंडे नाइट रॉ की तरफ से समर स्लैम के लिए, और तीसरी बात है अभी तक रोमन और ब्रॉक का फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है जो कि मैं कहूँ कि हाँ भैया हाइप कर रहे समर स्लैम के लिए। अब WWE को समर स्लैम की हाइप जरूर बढ़ानी पड़ेगी अगर उन्हें और टिकट सेलिंग करनी है, और अगर ब्रॉक लेसनर के खूनों खून कर देते रोमन रेंज को मंडे नाइट रॉ एडिशन के अंदर, आई डोंट थिंक सो ज्यादा हाइप बनने वाली फिर समर स्लैम के लिए, और फैंस कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड होते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी कि WWE मूव डिसाइड करती है या फिर, लेकिन मेरे हिसाब से ये वो तीन पॉसिबल एंडिंग हो सकती है कल मंडे नाइट रॉक एडिशन के मेन इवेंट की या फिर रोमन रेंज के मैच के, जब भी होता है रॉक के अंदर चाहे ओपनिंग में हो जाए या फिर शो के मेन इवेंट के अंदर हो जाए। तो भाई ये कुछ था कल के मंडे नाइट रॉक का एक लंबा चौड़ा प्रीव्यू, पता नहीं मैं कितने लंबे टाइम बाद रॉक का प्रीव्यू ला रहा हूं, लेकिन अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है पता ना क्या करना है, फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।